out again. तो हेलो गाइस, तो अभी आपने जो स्क्रीन पे वीडियो देखी तो गाइस आप भी कुछ इसी तरह का वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको दो वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस वो दो वीडियो आपको कुछ इस तरह का रिकॉर्ड करना है। तो वीडियो रिकॉर्ड करते समय आपको गाइस एक बात का जरूर ध्यान देना है। तो गाइस आपको अपना कैमरा एक जगह सेट करके रखना है और थोड़ा भी आपका कैमरा हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो गाइस आपका वीडियो ख़राब हो जाएगा। तो गाइस अब आपको अपनी वीडियो उस टाइम रिकॉर्ड करनी है जब गाइस आपका जो लाइट है वो थोड़ा सा कम तेज ना हो, गाइस सूरज का जो लाइट है वो थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो, नहीं तो गाइस आप घर में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हैं। तो गाइस पहला रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह का कर लेना है। और उसके बाद गाइस दूसरा रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह का कर लेना है। तो गाइस वीडियो एडिट करने के लिए आपको काइन मास्टर की जरूरत पड़ेगी। तो काइन मास्टर का आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलता हूँ गाइस अपनी स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि आप अपनी वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है। तो काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको जिस भी साइज में आपको अपना वीडियो बनाना है वहाँ पर आप साइज सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे यूट्यूब के लिए कर देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना वीडियो ले लेना है। तो मैं यहाँ से अपना वीडियो ले लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से जो है मेरा वीडियो ऐड हो चुका है। तो गाइस मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ जहाँ से मेरा वीडियो शुरू हो रहा है। यहाँ से मेरा वीडियो शुरू हो रहा है और गाइस इधर का जो मेरा पार्ट है वो बेकार है तो वीडियो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो गाइस इतना पार्ट कट करने के लिए आपको यहाँ कैची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रिम लेफ्ट, यहाँ पर गाइस आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे इधर का जो बेकार पार्ट था वो गाइस कट के हट गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मेरा वीडियो है। तो मैं इधर भी थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। तो गाइस मुझे इतना काट, तो मैं यहाँ पे कैची पे जाऊँगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रिम राइट, तो गाइस यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइस इधर का पूरा जो पार्ट है वो कट जाएगा। तो गाइस जो इतना पार्ट है वो मेरा बच गया है, आप देख सकते हैं। तो अब गाइस आपको इधर वीडियो लगाने के लिए लेयर पे जाना है और लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको वो वीडियो ले लेनी है। तो मैं वो दूसरी वीडियो ले लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपना दूसरा वीडियो यहाँ पे ऐड कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा वीडियो है वो सही नहीं है। तो गाइस अब इसको सही करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो गाइस ध्यान देखिए आपको क्या करना है। तो गाइस आपको थोड़ा सा यहाँ ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्लिप्ड स्क्रीन, तो गाइस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप थोड़ा इधर या फिर कहीं भी ऐसे कर सकते हैं। तो गाइस मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो गाइस आप अपनी वीडियो के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे जो मेरा ये लग के तैयार हो चुका है, तो अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है ये बनके तैयार हो चुका है। तो अब गाइस सिंपली इसे एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ से सेव एस वीडियो पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे जो आपका वीडियो है वो सेव हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं जो हमारा वीडियो है वो सेव होना शुरू हो गया। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।